शैडो कलेक्टर के रूप में काम करने के लिए मंगलवार को चेतना देवांगन कलेक्ट्रेट पहुंची, लेकिन पहले ही दिन उन्हें सरकारी लेट लतीफी का सामना करना पड़ा। युवा कलेक्टर चेतना देवांगन बिलासपुर कलेक्टर पी दयानंद के चैम्बर में बैठकर इंतजार करती रही, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है। आपको बता दें, सरकार की योजना के तहत आज प्रदेश भर में सभी जिलों में युवाओं को कलेक्टर बनने का मौका मिला है। बिलासपुर में चेतना देवांगन कलेक्टर बनी है। वे रायगढ़ में 8वीं क्लास तक पढ़ी हैं और अभी बिलासा गर्ल्स कॉलेज से बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये यूथ स्पार्क गवर्नमेंट के साइड से था। मुझे इतना जस्ट नहीं था कि इतना आगे हम बढ़ पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे कॉम्पिटिशन होता गया हम देते गए उसको, लेकिन आंसर आते गया बनते गया और आज यहाँ पहुँच गए हैं। आज एक दिन के कलेक्टर बने। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा इस कुर्सी में बैठूँ। मेरा बचपन से सपना था कि मेरा नाम डॉक्टर चेतना देवांगन IAS हो, और फाइनली मैं आज एक दिन के लिए बनी हूँ। मैं जरूर बनना चाहूँगी, मेरा बचपन से ड्रीम है। ये जो कॉम्पिटिशन था, इसके किसी एक इंटरेस्टिंग राउंड के बारे में बताइए। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग राउंड 4th लेवल था, जिसमें हमें 10 टॉपिक मिले हुए थे। उसमें से बोला गया था कि यदि आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगता है उनमें से किसी एक टॉपिक के बारे में बोलिए। तो मुझे सबसे अच्छा लगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, क्योंकि ये इससे बहुत सारे परिवारों को, जो गरीब लड़कियां हैं, उन लोगों का इससे भला होता है। वैसे उनको, उनके लिए शादी करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कठिनाइयां, आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ती, लेकिन सरकार के द्वारा उन्हें इतनी मदद की जाती है कि एक परिवार से दो लड़कियों का विवाह होता है, 15,000 रुपये प्रदान किए जाते। तो इस प्रकार मुझे सबसे अच्छा टॉपिक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लगा, तो ये वाला राउंड मुझे सबसे अच्छा लगा था। हमें 3 मिनट का वीडियो बनाना था, उसमें हमें जिस भी टॉपिक पे हम बोल उसके बारे में जानकारी, तथ्य, योजना, उपलब्धि, उससे क्या लाभ है, ये सबके बारे में बताना था। यहाँ तक आप पहुँच, कौन है इसके पीछे, क्या, किससे इंस्पायर हुआ? मेरे चाचा, वो एडिशनल कलेक्टर रह चुके हैं, तो मैंने उन्हें देखा है। वो मैं वैसे अभी तक शायद 6 कलेक्टर से मिल चुकी हूँ, ऑफिस यहाँ भी मैं आ चुकी हूँ सोमवारी बोरम सर से मिलने के लिए। तो ये सब देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हम ऊपर लेवल पे पहुँचे। आज मैं अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, अपने टीचर्स, अपनी फैमिली, अपने मम्मी पापा के बलबूते पर हूँ। अपना स्कूल और उसके आगे की पढ़ाई कहाँ की है आपने? रायगढ़ के कार्मेल स्कूल से पढ़ के आई हूँ, और उसके बाद मेरे पापा का बिलासपुर ट्रांसफर हो चुका, तो मैं सेंट जोसेफ स्कूल में, सिस्टर हेलन हमारी प्रिंसिपल थी, वहाँ पढ़ी हूँ। फिर दैन अभी मैं गवर्नमेंट बिलासा कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, बी ए सेकेंड ईयर। आज पूरे दिन भर आप क्या कुछ करने वाली, क्या कुछ देखने सीखने वाली हैं? आज हम पूरे दिन कलेक्टर जी के साथ रहेंगे, तो वो कैसे काम करते हैं, उनके सामने जो भी समस्याएं आती है तो वो कैसे उसका निवारण करेंगे, उनके सुझाव होते हैं, तो ये सब आज मैं भी देखूंगी कि क्या काम होता है, ताकि फ्यूचर में मैं भी एक दिन बन जाऊँ। थैंक यू। मैं मेरे सामने जो भी समस्याएं आएंगी मैं उनकी शिकायतें सुनूंगी, उनकी मांग सुनूंगी, और जिस भी विभाग से संबंधित जो भी विभाग हो उन्हें जानकारी प्रदान करूंगी। समीक्षा बैठक में समीक्षा कार्य किया जाएगा। चाहूंगी कि प्रत्येक स्कूल में गुणवत्ता हो, मरीजों को सही इलाज प्रदान किया जाए, निर्माण कार्य में गुणवत्ता हो। आज जगह जगह हर प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो रही है। आज मैं जैसे ये सब पता चला, मेरे सब ये बोलने लगे कि जितना एक दिन के लिए बन के जरूर कुछ कर देना। मैं अगले एक दिन जरूर बनूंगी, उस दिन जरूर सारा काम करूंगी। थैंक यू। हाय, नमस्ते, दिस इज नेहा बग्गा एंड यू आर वॉचिंग ग्लिप्स न्यूज। हाय, मैं हूँ मनु पंजाबी, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं ग्लिप्स चैनल मेरे साथ। So keep watching. Love you guys. Hi, I'm Alok Narula. और मैं हूँ अंशु नरोला, और आप देख रहे हैं Clips News. For more information, log on to www.clips.in.